afternoon, children. Good afternoon. All are fine? Yes, ma'am. How are you? I am fine, ma'am. All are fine? Yes, ma'am. ये कौन सी घंटी है? कौन सा पीरियड है? इंग्लिश की पीरियड है ना? आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेसन 10 बांबू करी, राइट? सबसे पहले मैं इसको रीडिंग करूंगी और आप लोग बुक ध्यान से देखेंगे. इसके बाद मेरी रीडिंग के बाद आप लोग से भी मैं रीडिंग करवाऊंगी, राइट? ओके. बांबू करी. सभी बच्चे बुक खोल लेंगे और ध्यान से बुक देखेंगे. वन डे द मदर इन लॉ ऑफ ए संथाल ब्राइडग्रूम कुक्ड ए स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर. दिस करी इज डिलीशियस. व्हाट इज इट? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बांबू डोर. नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट as he was about to leave, he remembered that there was no bamboo in his village. So he removed the bamboo door and carrying it with him left for his home. On reaching his village, he told his wife, make curry with this bamboo door. She was shocked. How can I make curry out of a bamboo door? Come, I'll help you by chopping up the bamboo, he said. His wife boiled it and boiled it. Later, when her husband tasted it, he said, it's too hard to eat. You don't know how to cook? His wife added more water and boiled it and boiled it. It's still too hard. I can't eat it. The in-laws came to visit the young couple that evening. They all laughed at his foolishness. The mother-in-law said, didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from a bamboo door? ठीक, ये लिखा हुआ है इस संथाल फोक टेल से, लोक कहानियों से. संथाल लोक कहानियों से लिया गया है ये चैप्टर. आइए इसका हम लोग हिंदी में अर्थ भी समझ लेते हैं. वन डे, एक दिन, द मदर इन लॉ, सास ऑफ ए संथाल ब्राइडग्रूम, एक संथाल जाति है, एक संथाल दूल्हे की सास ने कुक्ड ए स्पेशल डिश, कुक्ड पकाया, स्पेशल मतलब एक खास डिश व्यंजन, फॉर हिम उसके लिए, किसके लिए? दूल्हे के लिए ना, दूल्हे के लिए उसने एक खास डिश, खास व्यंजन पकाया. व्हेन ही विजिटेड हर, जब वो दूल्हा अपनी सास के घर देखने आया, मिलने आया, तो उसकी सास ने अपने संथाल ब्राइड ग्रूम के लिए, दूल्हे के लिए, हम लोग बोलते हैं ना अपनी भाषा में दामाद के लिए, तो अपने दामाद के लिए उसने खास व्यंजन बनाया. दिस करी इज डिलीशियस. दिस करी मतलब ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट है. डिलीशियस मतलब बहुत ही स्वादिष्ट है. व्हाट इज इट? यह क्या है? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बांबू डोर. मदर इन लॉ ने दरवाजे की ओर इस तरह से पॉइंट आउट किया, इशारे करके दिखाया. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जस्ट as he was about to leave, मतलब जैसे ही वो छोड़ने को था, मतलब अपने घर जाने को था, he remembered, उसको याद आया, that there was no bamboo in his village. उसको ये याद आता है कि उसके गांव में कोई भी बांस नहीं है, कोई भी बांस नहीं है. सो ही रिमूव्ड द बांबू डोर, और इसीलिए उसने बांबू डोर को, बांस के दरवाजे को रिमूव्ड कर दिया, उखाड़ लिया. ओके. एंड कैरिंग इट विथ हिम, और कैरिंग वो अपने साथ उसको कैरिंग किया, मतलब ले गया, कैरिंग मतलब ले जाना. इट विथ हिम, अपने साथ वो उसे ले गया. लेफ्ट फॉर हिज होम, जब वो अपने घर के लिए यहाँ से छोड़ के जाने वाला था, तो उसने बांबू के दरवाजे को उखाड़ लिया और अपने साथ लेके गया. इतना सबको क्लियर है हिंदी में अर्थ? समझ गए हैं आप लोग? ओके, अब आगे आते हैं. देखिए, ऑन रीचिंग हिज विलेज, अपने घर पहुंचने पर, He told his wife, उसने अपनी पत्नी से कहा, make curry with this bamboo door. इस बांस के दरवाजे से तुम सब्जी बनाओ. She was shocked. अरे वो तो एकदम आश्चर्यचकित थी, shocked हो गई सुन के, स्तब्ध हो गई. अरे बांबू डोर का कोई करी बनाता है, बताओ?
लोग भी नहीं खाए होंगे ना, नहीं खाए होंगे, सुना भी नहीं होगा कि बांबू डोर से कोई सब्जी बनती है। हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ ए बांबू डोर, मैं इस बांबू डोर के दरवाजे से सब्जी कैसे बना सकती हूँ। शी वाज शॉक्ड, वो स्तब्ध रह गई। हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ ए बांबू डोर, मैं इस बांस के दरवाजे से सब्जी कैसे बना सकती हूँ। कम आई हेल्प यू बाई चॉपिंग अप द बांबू, ही सेड, उसने कहा, मतलब दूल्हे ने कहा, कम आओ आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ चॉपिंग करने में, मतलब उसको कटिंग करने में बांबू को, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, उसने कहा। हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, उसकी पत्नी ने उसको उबाला और उबाला और उबाला, मतलब उबालते गई। लेटर, बाद में, व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड, जब उसके हस्बैंड ने टेस्ट किया, चखा, तो उसने क्या कहा, ही सेड इट इज टू हार्ड टू ईट, ही सेड, उसने कहा, इट इज टू हार्ड टू ईट, ये खाने में बहुत ही हार्ड है, कठोर है। यू डोंट नो टू हाउ टू की कुक, तुम नहीं जानती कि इसको कैसे बनाया जाता है, पकाया जाता है। His wife added more water, उसकी पत्नी ने थोड़ा और पानी डाला। And boiled it and boiled it, थोड़ा और पानी डाला और उबालते गई, उबालते गई। It's still too hard, ये अभी भी बहुत कठोर है। I can't eat, मैं इसको खा नहीं सकता। The in-laws came to visit the young couple that evening. उसी शाम को in-laws, ससुराल वाले, जो भी brother in-law, sister in-law, daughter in-law, जो भी थे उधर, सभी लोग इनसे मिलने आए। New married couple है ना, नए जोड़े हैं, नवविवाहित जोड़े हैं, तो इनसे मिलने के लिए दूल्हे के ससुराल वाले सब लोग शाम को आ गए। They all laughed at his foolishness. They all, वे सभी laughed, खूब हंसे, at his foolishness, उसकी मूर्खता पे खूब हंसे। foolishness मतलब क्या होता है, मूर्खता पे, तो उसकी मूर्खता पे खूब हंसे। The mother-in-law said, सास ने कहा, didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from a bamboo door? तुम नहीं जान पाए कि बांस की जो करी थी वो बांबू के शूट से बनाई गई थी, बांबू के कोपल से बनाई गई थी, नहीं कि बांबू के दरवाजे से बनाई गई थी, है ना। तो उसकी मूर्खता पे सभी लोग हंस रहे हैं। तो ये रहा बच्चे आप इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब आपकी बारी है, आपको रीडिंग करनी। बताइए कि किसको किसको द बांबू करी, बांबू करी आता है पढ़ने के लिए, रीडिंग करने आता है। अरे वाह, बहुत वेरी गुड। पहले तो आप अपने लिए ताली बजाओ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। स्पेशल क्लास था ना, तो आ जाओ आप, आओ सामने आओ। ऑन डे द मदर इन लॉ ऑफ ए संथाल ब्राइट Bridegroom cooked a spectacular dish for him when he visited here. This curry is delicious. What is it? Curry. Bamboo door. Next morning, just as he was about to leave, he remarked that there was no bamboo in his village. So he removed the bamboo door. कैरिंग है बेटा, थोड़ा बुक आप नीचे रख के पढ़िए। वेरी गुड, चलिए आई क्लैप। नेक्स्ट, ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद बांबू डोर, ही वाज शॉक्ड, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ ए बांबू डोर, कम आई हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बांबू, ही सेड, हिज वाइफ बॉइल्ड इट, लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट, ही सेड, इट वाज टू हार्ड टू ईट, यू डोंट नो टू हाउ टू कुक, हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट, इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कैन ईट इट।
चलिए वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। से पीयूष ने छोड़ा ना, वहां से आप पढ़िए। The in-laws come to visit the young couple that evening. They are laughed at his foolishness. The mother-in-law said, didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from a bamboo door? Very good. Clap for her. ओके स्टूडेंट्स, फिर कल हम लोग मिलते हैं क्लास में। बाकी लोग जो रह गए हैं उनसे कल हम पढ़वा लेंगे, ठीक है। आप घर पे इस लेसन को अच्छी तरीके से पढ़ के आएंगे और जो भी वर्ड मीनिंग है ना, शब्द अर्थ है इस लेसन में, उसको अच्छे से आप लोग लर्न करके आएंगे, ठीक है। ओके।